विवेक प्रकाश चोर है, विवेक प्रकाश चोर है, डीएन तिवारी चोर है, डीएन तिवारी चोर है, डीएन तिवारी चोर है, विवेक प्रकाश चोर है, विवेक प्रकाश चोर है, अतुल मिश्रा चोर है, अतुल मिश्रा चोर है, अतुल मिश्रा चोर है, इंडिपेंडेंट टीवी चोर है, इंडिपेंडेंट टीवी हाय हाय, 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 इंडिपेंडेंट टीवी हाय हाय। मैं गौरव टंडन हूँ, मैं पेंटेल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का जोनल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश से। और आज हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं क्योंकि इस पेंटेल टेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है इंडिपेंडेंट टीवी, जो कि डीटीएच सेवाएं हैं, जो कि आज हिंदुस्तान में 15.5 लाख ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले अनिल अंबानी जी की कंपनी बिग टीवी के नाम से प्रसारित थी। इसको पिछले साल मार्च 2018 में पेंटेल टेक्नोलॉजी ने खरीद कर जुलाई 2018 में इंडिपेंडेंट टीवी के नाम से दोबारा से लॉन्च किया। और जुलाई 2018 से लेकर जनवरी 2019 तक इसको जो है 15.5 लाख ग्राहकों ने इस सेवा को 2,250 रुपये प्रति कनेक्शन देकर इसको ख़रीदा, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से दुकानदारों पर माल गया, दुकानदारों से ग्राहकों ने लिया। यानी कि अगर मैं कहूँ 15.5 लाख जो ग्राहक हैं उन लोगों ने अभी तक 370 करोड़ इस कंपनी को 5 महीने में पैसा दिया है। इस कंपनी की फरवरी से कुछ चैनल इसके बंद हो गए, किसी एक विशेष कंपनी का, उस कंपनी का नाम नहीं लेना उचित समझूंगा। उसके बाद इस कंपनी के मार्च अप्रैल और मई में और 2 कंपनियों के सारे चैनल बंद होते चले गए और 12 जून को तो इंतहा हो गई जब इसके समस्त चैनल बंद हो गए रात को 11:30 बजे से। और जब हम लोग कंपनी के ऑफिसेज ढूंढना शुरू किया, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, तो पता चला कंपनी अपना ऑफिस छोड़ गई है। हमें बताया गया वो मुंबई चली गई है क्योंकि उन्होंने वहाँ एक पोस्टर लगाया हुआ है कि वो धीरू भाई अंबानी बिल्डिंग के अंदर हैं, जबकि पेंटेल टेक्नोलॉजी का कोई ऑफिस वहाँ पे नहीं है। ये संपूर्ण तरीके से झूठ था। हमने अपने सूत्रों से पता लगाया, वो लोग नोएडा में ही मौजूद थे, सेक्टर 63 में। हमने अपने सूत्रों के आधार पर हम उनके ऑफिस पहुँचे, 2 दिन बाद पता चला उस ऑफिस से भी वो लोग गायब हो गए क्योंकि लोगों ने वो ऑफिस ढूंढ लिया और फिर वो तीसरे ऑफिस सेक्टर 63 प्लॉट नंबर 67 पे पहुँच गए नोएडा में। उसके 4 दिन बाद जब हम एक बार फिर उनसे मिलने गए कि क्या हो रहा है चैनल्स का, तो पता चला वो ऑफिस से भी गायब हो गए और वहाँ से हमें बताया गया सारी टीम मुंबई चली गई है। लेकिन हम लोगों ने प्रयास नहीं छोड़े और हमारे मित्रों के प्रयास से ये पता चला आज की तारीख में इस वक्त वो E33 सेक्टर 63 नोएडा की बिल्डिंग में पेंटेल टेक्नोलॉजीज़ की उपस्थित हैं अभी भी, जबकि पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्राहकों को धोखे में रखा जा रहा है कि वो लोग मुंबई चले गए हैं। हमें बहुत बड़ा भय है सर। आप लोगों ने कोई FIR या कुछ मतलब आगे तक कोई बात होता ही हो? जी, हम लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस के EOW विंग में गए अपनी कंप्लेंट लेके 128 पन्नों की। उन्होंने हमसे ये कह दिया इसके लिए आप TRAI जाइए, ये तो आपका TRAI के अंतर्गत आता है। मतलब वो किसी ना किसी तरह वो घुमाते रहे। जी, आज सुबह हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल 28 लोगों का TRAI ऑफिस गया, जहां सिर्फ 4 लोगों को चिन्हित करके अंदर जाने की अनुमति दी गई। जब वो 4 लोग अंदर लेके गए तो उन्होंने हमसे ये कहा, जिसे सुनकर हम सब बड़े विचलित हो गए। उन्होंने कहा कंपनी के एक डायरेक्टर हैं विवेक प्रकाश जी, यदि उन पर समय होगा और वो उपलब्ध होंगे तो आज शाम को उन्हें हम बुलाएंगे। हमें तो अपनी कंप्लेंट 450 करोड़ के गबन की ऐसा लग रहा था जैसे चाय का न्योता दिया जा रहा हो किसी को, मजाक सा बना के रख दिया TRAI ऑफिस ने हमारा। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय गए, जहां पे हमने 28 पेज की पूरे साक्ष्यों के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज करी है, जो कि उनका पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में उससे हमें रिसीविंग देके हमें वापस कर दिया। हम आपके माध्यम से सिर्फ एक ये विचार पहुंचाना चाहते हैं, इस पेंटेल टेक्नोलॉजी के एक निदेशक थे संजय बाटी, जो कि 1300 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले में जेल में बंद हैं आज हिंदुस्तान में। उसी निदेशक की कंपनी के साथ और भी निदेशक हैं जिन्होंने 15 दिन के अंदर 4 ऑफिस बदल दिए बिना किसी सूचना के। हमें अब यह भय लग रहा है
कि 15.5 लाख ग्राहक हिंदुस्तान के 22 राज्यों में, उनका 350 करोड़, और जो 80 से ज़्यादा C&F हिंदुस्तान में इस कंपनी के हैं पेंटल टेक्नोलॉजी के, उनका 100 करोड़, मतलब कुल मिला के 450 करोड़ का घोटाला एक और यही कंपनी फिर से करने जा रही है। और इंतहा तो और भी ज़्यादा हो गई। ये सिर्फ हम ही को बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा, हमारे ग्राहकों को नहीं करना पड़ रहा, इनके जितने एम्प्लॉयज़ थे उन्हें 3 दिन पहले जबरन HR डिपार्टमेंट से लीव विदाउट पे भेज दिया गया है, ताकि कोई भी किसी से भी बात करने के लिए लायक ही ना बचे हम। तो इस परिस्थिति के अंदर हमें बहुत ज़्यादा भय है कि ये कंपनी एक और 400-500 करोड़ का घोटाला करके भागने जा रही है, और हमारा कोई भी सरकारी तंत्र, कोई भी हमें ना समय देकर ना बात करने को तैयार है। आगे आपका जो मांग है, हमारी मांग सिर्फ बड़ी सरल है सर, ये सेवाएं शुरू कर दी जाएं। हम लोगों ने जीवन अपनी पूंजी बैंकों से ब्याज पे पैसा लेकर, किसी ने मार्केट से कर्जा लेकर, अपने घर गिरवी रख रख कर ये काम शुरू किया है। हम में से कुछ ग्राहक हैं जो शायद उनके लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हर परिवार के लिए 2000 रुपये, किसी का पूरे महीने का चूल्हा जल जाता है उसमें, वो लोग भी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है, सरकारी तंत्र जग जाए, कम से कम अपने ग्राहकों के हित में जो सेवाओं का लाइसेंस उन्होंने जिन शर्तों में दिया है, उन शर्तों के तहत वो सेवा मुहैया कराई जाए, और सबका पैसा, चाहे जहाँ जो ये 350 करोड़ ग्राहकों का पैसा है, 15.5 लाख ग्राहकों का, वो सुरक्षित हो। हमारी मात्र एक यही मांग है सर, ये सेवाएं सुचारू रूप से चलाएं। अभी तो ये लग रहा है ये कंपनी के निदेशक 1300 करोड़ का एक फ्रॉड किया, 500 करोड़ का एक और करके भागने की तैयारी में है। इंडिपेंडेंट टीवी, इंडिपेंडेंट टीवी, इंडिपेंडेंट टीवी, इंडिपेंडेंट टीवी, जागो 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 सरकार।